Friends, now we are in at home and we have got ample of time it, if it was normal time i should not have attracted your attention but at home we all are sitting down and we are learning something or the other passing time why not be little progressive everybody might be standard 1 2 3 till 5 10 11 12 or the people at home going uh, sitting down and finding it boring let us try little calculation tricks and try to find out why maths is a very very easy subject it's an easy subject because you know uh, it's like meri marji if you understand things then it is aapki marji kisi ne aapko kaha guna karne ke liye aap bhag de do Five से देखा जाए ट्रिक्स क्या है shortcut calculations क्या है different डिफरेंट कैलकुलेशन में से कहता हूँ शॉर्टकट कहता नहीं क्योंकि कोई भी shortcut एक्चुअली मैथ्स के बेसिक्स पर ही है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऑपरेशन है जिसको आप थोड़ा फास्ट कर लेते हैं बस और कुछ नहीं, नहीं। लिखते हैं फास्ट है तो लगता है जैसे कि आप फास्ट करें बट आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले फाइव से गुना करना है तो आप उसको दो से भाग दे दीजिए चलिए दो से भाग देते हैं तो ये चूँकि सब इवन नंबर है तो हम किसी भी ऑर्डर में भाग दे सकते हैं इसको लिख सकते हैं टू थ्री फोर टू वन ज़ीरो और उसके जब आप दो से डिवाइड कर दीजिए एक ज़ीरो लगा दीजिए यानी आपको कहा गया गुना करने आपने भाग दिया और एक ज़ीरो लगा दिया ऐसा क्यों करते हैं बहुत सिंपल है पाँच से गुना करो या दस बटा दो से गुना करो बात बराबर है और अगर आप दस से गुना करते हैं तो एक ज़ीरो लगाते हैं और दो दो से डिवाइड करने का मतलब किसी भी चीज़ को हाफ करते हैं अब इसको हाफ किया जाए मन में फाइव सिक्सटी फ़ोर फाइव सिक्सटी फ़ोर का मतलब हो गया टू टू तो 2820 ये इसका आंसर हो जाएगा लेटर सी एक बार फिर दो से भाग दे देंगे ना सी अब 635 थर्टी फाइव इंटू फाइव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है आप सोचते हैं ये शॉर्टकट नहीं हो सकता लेकिन बड़ा सिंपल है आप पहले 600 सौ का मन में आधा करो तो 300 हो गया फिर 35 के बदले चौंतीस को आधा करो तो 17 हो गया तो 317.5 सौ एक जीरो लगाना है टेन से मल्टीप्लाई करना तो 317.5 को आप टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा तो थ्री वन सेवन फाइव आंसर है यानी आप बैठे बैठे भी थक गए करना है कुछ काम तो शुरू करो शॉर्टकट लेके प्रभु का नाम ठीक है चलते हैं आगे देखते हैं बाईस चौंतीस इंटू पाँच दो हज़ार दो सौ चौंतीस इंग्लिश में बोलते हैं टू थाउजेंड टू थर्टी फोर एनी वे अब करना है क्या भाई इसका आधा बाईस सौ का आधा तो ग्यारह सौ है और चौंतीस का आधा सत्रह है तो ग्यारह सौ सत्रह ज़ीरो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्यारह सौ सत्रह तो ग्यारह हज़ार एक, एक सौ सत्तर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है सी फिर से देखा जाए हम लोग ने बाईस सौ कहा था ग्यारह सौ और चौंतीस कहा था सत्रह यानी ग्यारह सौ सत्रह और उसके आगे एक जीरो लगा दिया हो गया आंसर लेट अस सी अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो यहाँ पर जो आपको अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं से फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं चार हज़ार तीन सौ पचपन है तो चार हज़ार का आधा तो दो हज़ार हो गया चलिए दो हज़ार मन में रख दिए तीन सौ का आधा डेढ़ सौ हो गया तो दो हज़ार एक सौ पचास हो गया अब तीन सौ का आधा दे, डेढ़ सौ हो गया आप चौवन का आधा क्या हो जाएगा भाई तो तीन फिर से देखिए चार हज़ार का आधा दो हज़ार हो गया फिर तीन सौ का आधा या तीन सौ पचास का आधा कर लेते तो दो हज़ार और तीन सौ पचास का आधा होता है एक सौ पचहत्तर ठीक है तो तो दो हज़ार एक सौ पचहत्तर और यहाँ पर दो चार का आधा दो और कहते दो हज़ार एक सौ सतहत्तर पॉइंट पाँच यानी टू वन सेवन सेवन फाइव पॉइंट पाँच है तो फिर जीरो लगाना टेन से गुना करना तो दैट इज वट इज़ द आंसर तो घबराइए नहीं घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और ये फिर से देखिए ये लगता है कि नहीं होगा आधा ध्यान से देखिए चार हज़ार का आधा दो हज़ार साढ़े तीन सौ का आधा था, था, तो 300 का आधा 150 का आधा 25 तो साढ़े तीन का आधा 175 हो गया तो इसका मतलब आपको 4350 का आधा 2175 हो गया 2175 और 5 का आधा क्या होगा ढाई तो 2177.5 उसको हम लोग टेन से मल्टीप्लाई कर दिए तो डेसिमल हटा दिए तो हम नहीं कहते इसको शॉर्ट कट क्योंकि इसको आप फास्ट फिर धीरे धीरे करने लगे ये जब आप 10-15 एग्जाम्पल ख़ुद से लेके दिमाग लगा कि इसी पैटर्न पर अगर आप करने लगे तो कितना मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में और कैलकुलेशन सीख लीजिए लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन एंड एवरीबडी कैन लर्न कैलकुलेशन मैं आपके साथ हूँ अब गाना तो सिखा नहीं सकता वो मेरी आदत नहीं, नहीं आती नहीं मुझे तो चलिए इसको करते हैं अब 25 का 25 भी वही चीज़ है किसी भी चीज़ को 25 से गुना करने का मतलब है आप उसको 100 से गुना करके चार से भाग दे दीजिए और चार से भाग करने का मतलब क्या होता है दोस्तों चार से भाग करने का फ्रेंड्स हाफ का हाफ़ आधा का आधा अगर मैं आपको कहूँ सौ को आप मैं आपको कहूँ ठीक है चलिए सौ को पच्चीस से गुना कीजिए तो सौ का आधा पचास और पचास का आधा पच्चीस उसमें आगे डबल ज़ीरो लगा दीजिए तो पच्चीस से हो जाएगा तो इसको देखते हैं आठ हज़ार आठ सौ चौवालीस एट एट फोर फोर तो एट एट फोर फोर को पहले आधा करेंगे तो फोर फोर टू टू हो जाएगा और फिर उसको आधा करेंगे तो टू टू वन वन हो जाएगा तो टू टू वन वन और इसको हंड्रेड से गुना कर देते हैं चलिए अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखा जाए इसको क्या करते हैं कुछ क्या किया जाए इसको बाईस सौ चौवालीस तो इसका तो पहला हाफ बड़ा आसान है ग्यारह सौ बाईस हमारे मन में आ गया ग्यारह सौ बाईस मेरे मन में आ गया ग्यारह सौ बाईस अब 1100 का आधा 1100 का आधा होता है साढ़े पाँच सौ ग्यारह का आधा साढ़े पाँच सौ और 22 का फिर आधा 22 का आधा है ग्यारह तो साढ़े पाँच सौ में 11 जोड़ दीजिए तो साढ़े पाँच सौ में 10 जोड़िएगा तो पाँच सौ साठ एक पाँच सौ इकसठ पाँच सौ इकसठ के आगे डबल ज़ीरो लगा दीजिए हंड्रेड से गुना कर दीजिए यही इसका आंसर हो जाएगा अच्छा बाईस दो हज़ार का आंसर छब्बीस ठीक है हम लोग इसको देख लेंगे फिर अब छः सौ चौंतीस इंटू पच्चीस लगता है आधा का आधा करना बड़ा मुश्किल है होगा ही मुश्किल पहला आधा तो बहुत आसान है तीन सौ सत्रह अब तीन सौ सत्रह को आधा करो तो तीन सौ सत्रह को आधा करो तो पहले तीन सौ का आधा डेढ़ सौ सत्रह का आधा तो नहीं तो डेढ़ सौ है तो सोलह का आधा आठ होता है तो डेढ़ सौ वन फिफ्टी एट पॉइंट फाइव तो 158.5 को का अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये वीडियो वन अभी हम लोग चलेंगे आगे और इस लॉकडाउन पीरियड में लेकिन क्या करते हैं अपने बच्चों को सिखाइए आप ख़ुद भी सीखिए और बच्चों को शॉर्टकट कैलकुलेशन सिखाइए काम ही आएगा कुछ थैंक यू